नजदीक ग्राम झीलों की नगरी चौबारा चक्का गोई माता स्टेडियम में स्वर्गीय नन्हे लाल विश्वकर्मा की स्मृति में हो रहे 10वें शासन द्वारा मान्यता प्राप्त क्रिकेट टूर्नामेंट के तीसरे दिन मुख्य अतिथि नारायण सिंह कुशवाहा, पूर्व मंत्री, मध्य प्रदेश शासन प्रदेश अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग मोर्चा भाजपा मध्य प्रदेश ने जोत प्रज्वलित कर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। क्रिकेट समिति द्वारा अतिथियों का सॉल श्रीफल फूलमाला ट्रॉफी से सम्मान किया गया। पूर्व मंत्री ने चक्का गोई माता स्टेडियम को बनवाने के लिए भी मध्य प्रदेश शासन को लेटर लिखने के लिए कहा। टूर्नामेंट के आयोजक हरि शंकर विश्वकर्मा ने भी सभी अतिथियों को स्मारिका ग्रामीण खेल चेतना 2022-23 के प्रकाशन पुस्तिका भेंट की। पलेरा और देवपुर के बीच रोमांचित मैच हुआ। पलेरा ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 4 क्रिकेट पर 163 रन बनाए। सोनू विश्वकर्मा ने 48 अमन 54 रनों का अपनी टीम के लिए योगदान दिया। देवपुर टीम ने 10 ओवरों में ही 1 विकेट खोकर मैच जीत लिया। गोलू कटार ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 24 बॉलों में 57 रन बनाए। राजपाल यादव ने 26 बॉलों में 65 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच बने। दूसरा मैच बिजावर और जतारा के बीच खेला गया, जिसमें बिजावर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवरों में 79 रन बनाए। 9 ओवरों में जतारा टीम ने मैच को जीत लिया। सुरेश सोनी, सागर संभाग प्रभारी भाजपा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा मध्य प्रदेश, जयप्रकाश तम्रकार प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा मध्य प्रदेश, सोवनर कुशवाहा जिला अध्यक्ष भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा मध्य प्रदेश, पंकज रॉय जिला उपाध्यक्ष भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा मध्य प्रदेश सहित पुलिस और मेडिकल टीम मौजूद रही। सर, आप आज यहाँ चौबारा आए हैं क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए, तो सर कैसा अनुभव कर रहे हैं और क्या कहेंगे खेल प्रेमियों को? चौबारा क्रिकेट टीम समिति के द्वारा लगभग 10 वर्षों से स्वर्गीय श्री धन्यलाल विश्वकर्मा जी की जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और वास्तव में एक क्रिकेट का जो आयोजन है खेल का, ये एक इस प्रदेश और देश की क्रांति का एक हिस्सा है। क्योंकि क्रिकेट का खेल इस भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे भारत के खिलाड़ियों ने नाम रोशन किया है। और उसी क्रम में चौबारा में आयोजित इस क्रिकेट के लिए टीम जो यहाँ खेल रही है, सबसे पहले उस समिति को जो आयोजन प्रतिवर्ष कराती है, क्योंकि हमारे कई ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अपने हुनर का प्रदर्शन ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से करते हैं। उन्होंने ऊपर जाने का मौका, प्रदेश में खेलने का, देश में खेलने का मौका उन्हें मिलता है। और मैं भाग लेने वाली सभी टीमों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ कि वह अपने गांव का, अपने प्रदेश का, अपने ज़िले का नाम पूरे देश में करें और देश से बाहर भी सभी दुनिया की टीमों के साथ खेलने का मौका आए तो वहाँ भी इस भारत का नाम रोशन करें। उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे हरि शंकर विश्वकर्मा जी और पूरे उनके परिवार और पूरे क्षेत्र की टीम सराहनीय कार्य करती है। मैं उसको भी पूरा अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाइयाँ देता हूँ कि यह काम और आगे भी करते रहें और इससे इस ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का कहीं ना कहीं अपनी कला के प्रदर्शन करने का मौका बनाए मिले और वो आगे बढ़े। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपकी प्रदेश में सरकार है, खेल के प्रति क्या योजनाएं चल रही है, क्या अमल आता है? नहीं, योजनाएं बहुत सी है खेल के लिए। आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई तरह के गोल्ड मेडल लेकर के बेटे और बेटियां आ रही हैं। लगातार हमारी खेल मंत्री माननीय यशोधरा राजे सिंधिया जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्हें मैं कहता हूँ कि 2-4 दिन में ऐसे कार्यक्रम
ये 10वां टूर्नामेंट किया जा रहा है। यहाँ पे अपने गेस्ट आए, मंत्री आए, मीडिया द्वारा मांग की गई, इस पर उन्होंने कहा है कि हमारे हरिशंकर जी मांग करेंगे, मैं उसको जरूर करूँगा। मेरा तो पूर्व से ही प्रयास है कि खेल ग्राउंड बनना चाहिए, स्टेडियम चौबारा में निर्माण होना चाहिए। मेरी ये पूर्व से ही मांग चल रही है। वो आज मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वस्त किया है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रसाद गुप्ता जी, तो उन्होंने आज ये चीज़ बताई है, मीडिया के माध्यम से भी बताई है कि मैं अगर इस समिति के पदाधिकारी बताते हैं तो मैं ज़रूर इसकी पूरी आगे बढ़ाऊंगा और मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करूंगा कि खेल ग्राउंड बनाया जाए, स्टेडियम बनाया, निर्माण किया जाए, क्योंकि खेल प्रतिभाओं को ग्रामीण क्षेत्र से उभारने के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है और इसका निर्माण जरूर होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है यहाँ पर क्या कमी है, क्या क्या आप मांग रखेंगे अपने मत प्रशासन? अब मेरा तो संस्था के माध्यम से मैं मांग कर ही रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए ये सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था है, वो ये है चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए ही काम करती है, सभी के गरीब सर्वहारा परिवार जो हैं उनके लिए काम करती है, खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए जो अपने ग्रामीण क्षेत्रों में खेल करके जिलों में और जिलों से बड़े शहरों में और शहरों से हम अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उनका प्रवेश होगा, खेल के जाएंगी तो भारत का नाम भी रोशन होगा। ये हमारी यही सबसे बड़ी एक प्रतिज्ञा के साथ हम काम करते हैं और संस्था हमारी लगातार ये काम कर रही है। प्रशासन से भी हम लगातार मांग करेंगे कि बच्चों के लिए प्रशिक्षण वर्ग भी हम इस ग्राउंड से कराएंगे और खेलने की भी जो जिस जिस प्रकार के खेल होते हैं, अन्य प्रकार के क्रिकेट टूर्नामेंट के अलावा और भी खेल हैं, हम वो खेल का भी प्रशिक्षण इस ग्राउंड के माध्यम से करेंगे।